मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अवैध रूप से शराब की तस्करी रोकने का नाम नहीं ले रही है। भले ही पन्ना की पुलिस अलर्ट हो रही है और समय समय पर चेकिंग लगाकर अवैध शराब माफियाओं पर कार्यवाही भी करती है, लेकिन पन्ना के अवैध शराब माफिया अवैध रूप से शराब तस्करी करने के लिए मान ही नहीं रहे हैं। पुलिस को ठेंगा दिखाकर ही चाहे जो भी वाहन हो अवैध रूप से शराब की तस्करी जिले में जोरों पर चल रही है। फिलहाल पुलिस अपनी नाक बचाने के लिए समय समय पर नाम के लिए एक दो कार्यवाही अवैध शराब ले जाते वाहन को पकड़ कर देती है। पवई क्षेत्र में दिनों दिन हो रही शराब की अवैध तस्करी के चलते मोहंद्रा चौकी प्रभारी व सिमरिया पुलिस बल ने रात्रि चेकिंग के दौरान एक अल्ट्रो 800 गाड़ी में करीब 90 लीटर यानी 10 पेटी जिसकी कीमत लगभग 38,000 रुपए बताई जा रही है। पवई से मोहंद्रा मार्ग बर्तला नाला के पास चेकिंग के दौरान अल्ट्रो 800 गाड़ी से शराब जब्त की है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी लल्लू चौरसिया निवासी मोहंद्रा फरार है। हालांकि पुलिस ने धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। संवाददाता पन्ना नंदू राजा। इसमें कल रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ऑटो कार अवैध शराब लेके निकल रही है। इस संभावना पर चौकी प्रभारी मोहिंद्रा, रामाताल पटेल, थाना प्रभारी सिमरिया, इनके द्वारा वहाँ चेकिंग लगाई गई और जिसकी सूचना थी उस ऑटो को पकड़ा है। पकड़ते समय जो आरोपी लल्लू रसिया नाम का व्यक्ति था, वो उसके साथ एक आध कोई और थे, वो तो चूँकि अंधेरा था, रात में टाइम था, भाग गया है और आल्टो कार को पकड़ लिया है। उसमें 10 पेटी वह शराब पकड़ी गई है, उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की तलाश करके उसको गिरफ्तारी कार्रवाई की जाती है।